हम आराधना करेंगे परमेश्वर को, धन्यवाद देंगे। हम सब जानते हैं हम कौन सा पर्व मना रहे हैं इस पर, क्रिसमस का है ना, खुशी का पर्व है ना। हर कोई इंसान इस वक्त खुश होता है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तो जो एंजल्स है, जो दूत है, उन्होंने भी गीत गाया था, वो भी खुश हुए थे, है ना। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, ओ कम ऑल फेथफुल, है ना, आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे और खुशी से हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Oh, come गहरा इंसान नहीं आ रहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ रहा है।
आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, जॉय टू द वर्ल्ड लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे दुख मिटाने के लिए आया है, हमें
खुशियां देने के लिए आया है। आनंद के साथ ताली बजाकर your time.
परमेश्वर मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपने समय से नहीं चलना चाहता, बल्कि तेरी परिपूर्ण इच्छा और तेरा समय मेरे जीवन में जीना। Lord, I come to this place not to want something, my God, but to seek you. परमेश्वर इस जगह हम आते हैं इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन क्योंकि हम तुझे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। We want to know you more. मुझे और नजदीक से जानना चाहिए। We want to know you intimately. बहुत ही नजदीक से जानना चाहिए। We want to know you so much that we can understand every expression that's on your face, Lord. और तेरे चेहरे की हर शिकन को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। When people look at me in the world, they should call me by your name, Lord. परमेश्वर जब दुनिया मुझे देखेगी, वो मुझे तेरे नाम से जानेगी। Let me have your identity. और तेरी पहचान मुझे दे। For that, let me decrease that you might increase, Lord. मैं घटूं और तू बढ़े परमेश्वर। Let me decrease that you might increase, Lord. तू बढ़े और मैं घटूं परमेश्वर। In every area today, I come so that I might decrease and you might increase. मेरे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े। The anointing that I'm receiving from the word today, my God, let that anointing help me to decrease so that you might increase. और जो अभिषेक हमें इस वक्त प्राप्त हो रहा है, उस अभिषेक से परमेश्वर तू बढ़े और हम लोग घटे। Let my life be all about you, Jesus. मेरा संपूर्ण जीवन सिर्फ तेरे बारे में। Not about my family, not about my job, not about my business, not about how am I going to provide for tomorrow. Let it be all about you, Jesus. मेरे परिवार के बारे में नहीं, मेरे व्यापार के बारे में नहीं, मेरी नौकरी के बारे में नहीं, यहाँ तक कि कल क्या होगा और मैं कैसे प्रावधान करूँगा कल के लिए, इसके बारे में भी नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह सब कुछ मेरा तेरे बारे में। Because I can face tomorrow. I know I can face tomorrow because I have you, Jesus. और मुझे पता है मैं कल का सामना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ यीशु तू है। I will never be disadvantaged because I have you, Jesus. और मुझे कोई कमी नहीं होगी या तो फिर मेरा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि यीशु मसीह तू मेरे साथ। No weapons that are fashioned against me will ever be able to prosper because I have you, Jesus. और मेरे विरुद्ध उठा गया कोई भी हथियार मुझ पर नहीं चलेगा क्योंकि तू मेरे साथ है यीशु मसीह। The enemy who comes one way has to flee seven ways because I have you, Jesus. और शत्रु जो मेरे सामने एक रास्ते से आएंगे, वो मेरे साथ से सात रास्तों से भाग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह तू मेरे साथ है। I thank you. Today I take my rightful place, my God. और परमेश्वर तो धन्यवाद देते हैं और हम हमारी सही जगह लेते हैं। And that place where I need to dwell, my dwelling place is in the cleft of the rock, Lord. और उस जगह वो जो चट्टान की खाई है उसमें हम जाते हैं परमेश्वर की, वही हमारी सही जगह है। That's the place Moses could see you. और मूसा को भी उसी जगह से तू दिखा। That's why I want to be in that place that I might see Jesus, that I might see God, I might see His glory day and night, Lord. और दिन और रात हम तेरी महिमा को देखना चाहते हैं। Hide me in you, Jesus, for you're the cleft, you're that rock that I want to be in. और यीशु मसीह तू वो चट्टान है जिसमें हम छुपना चाहते हैं। Today all those who are watching, Lord, give them the grace to hide in you, Jesus. और जो भी हमें सब देख रहा है उन्हें वो अनुग्रह दे परमेश्वर यीशु मसीह में छुपने के लिए। Let the word take them to another level today, not keep them the same. Let things in their life begin to activate through the power of the word today, Lord. और परमेश्वर जो वचन का सामर्थ्य है उन्हें चले और उनके जीवन का स्तर और आगे बढ़ जाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. You are the Lord of Lords. You are my God, the Alpha and the Omega. You are the Elohim. You are the El Elyon. You are my God, Jehovah Nissi. You are Jehovah Jireh in this place. You are El Shaddai in this place. You are Jehovah Rohi in this place. You are Jehovah Rapha in this place. You are my God. You are all and in all to us, Lord Jesus. You are my God, the multifaceted God. Today we worship you because there is none like you. You are the Lion and you are the Lamb, my God. You are the perfect combination, my God. You are the perfect product of the Father. And we worship you, Lord Jesus, because there is none like you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So even before we start, I want to thank the Lord because this particular week has been a very, very blessed week for me. और शुरुआत करने से पहले ये कहना चाहते हैं कि ये जो हफ्ता है ये रेवेंट के लिए बहुत ही आशीषित हफ्ता बना। बिकॉज दिस वीक आई वॉज एक्सट्रीमली ड्रॉन इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड आई फेल द नीड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लाइक नेवर बिफोर।
और परमेश्वर के सानिध्य में वो बहुत नजदीकी से आया और ऐसा लगा कि परमेश्वर को सब कुछ दे देना चाहिए और अलग कर दिया था खुद को इस हफ्ते में परमेश्वर के। एंड दिस वीक आई कैन से अंटिल थर्सडे द लॉर्ड डिड अलाउ मी टू स्टेप आउट ऑफ माय हाउस एंड आई वाज ओनली एंड ओनली इन हिज प्रेजेंस एंड आई वाज एंजॉयिंग द प्रेजेंस लाइक नेवर बिफोर। और गुरुवार तक परमेश्वर ने इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया और वो सिर्फ और सिर्फ दरबार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। एंड दोस थ्री डेज वर डेज ऑफ आई कैन से वेयर द लॉर्ड फिल्ड मी विद हिज स्ट्रेंथ एंड आई नो इट्स नॉट अ फिजिकल स्ट्रेंथ बट यू नो व्हेन यू आर स्ट्रेंथेन इन योर इनर मैन एंड यू नो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड दैट्स व्हाट आई कुड फील इन दीस थ्री डेज। और इन तीन दिनों में परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य से भरा, शारीरिक सामर्थ्य से नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ्य से, और वो जान गई थी कि वो अगले स्तर के लिए अब तैयार हो चुकी है। Happiness is a wise concentration needed. और परमेश्वर के लिए अलगाव होना क्यों जरूरी है? Concentration is needed because you need that time to be in the presence of God so that God removes all that which is not needed in you at that time. और ये इसलिए जरूरी है कि ताकि परमेश्वर सारी चीजें आपकी जिंदगी से निकाल दे जिसकी जरूरत नहीं है। यू नो वी माइट से लॉर्ड वी नो इट ऑल, लॉर्ड आई नो व्हाट इज दिस इज नॉट देयर, लॉर्ड नाउ आई हैव इंप्रूव्ड, थिंग्स हैव बिकम, आई हैव चेंज्ड, नो बट सर्टेन टाइम्स वी डोंट नो व्हाट इज देयर इनसाइड ऑफ अस, हाइडिंग इनसाइड ऑफ अस व्हिच द लॉर्ड ओनली कैन रिवील। और हम ये कहते हैं परमेश्वर मैं तो कितना बदल गया हूं और मेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में छुपी रहती है जो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है और वो ही निकाल सकता है। बिकॉज गॉड इज लाइट, राइट? यस, गॉड इज लाइट। सो व्हेन यू टेक योरसेल्फ इनटू दैट कंसंट्रेशन टाइम, यू नो व्हाट हैपेंस इज लाइट फॉल्स ऑन अस एंड सर्टेन एरियाज व्हिच वी अदरवाइज कुड नेवर सी वी कैन सी इट इन हिज लाइट। और परमेश्वर प्रकाश है और जब हम उसके लिए अलग होते हैं, उसके सामने पर बैठते हैं तो वो प्रकाश हम पर आता है और जो चीजें नैसर्गिक प्रकाश नहीं दिखा सकता वो चीजें परमेश्वर का प्रकाश हम पर हमें दिखाता। That's why consecration is needed. और इसलिए परमेश्वर के लिए अलग होना जरूरी है। एंड लाइक एवरी ईयर वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट, इवन दिस ईयर कीप सम टाइम सेपरेट फॉर द लॉर्ड, वेदर द लॉर्ड रिवील्स टू यू जस्ट वन डे और टू डेज और थ्री डेज, कीप इट सेपरेट फॉर द लॉर्ड सो दैट व्हेन यू कम आउट यू आर नॉट द सेम। सी यू माइट लुक द सेम, ऑल दैट इज फाइन, बट डू यू नो समथिंग, यू विल नेवर कम आउट द सेम इनर मैन। योर इनर मैन हैज टू बी डिफरेंट व्हेन यू वॉक आउट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप ऐसा समय निकाल के रखते हैं, भले एक दिन दो दिन जब भी जितना भी दिन परमेश्वर आपसे कहते हैं, क्योंकि जब आप वहां से बाहर निकलते हो तब आप बदल कर निकलते हो, आप वैसे ही पहले जैसे नहीं रहते। That's why concentration is needed. इसलिए परमेश्वर के लिए अलग होना बहुत जरूरी है समय का। This season you don't know. See the kingdom knows what is kept ahead for you. You in natural don't know. But what happens even if I don't know and I'm speaking in tongues, what is happening? I'm activating the heavenly realm for me. I'm activating that, right? So, but if you don't know how to speak in tongues, how are you going to activate that which is kept for you? You don't know about the heavens. You don't know. But when you're speaking in tongues, you are releasing out and allowing the power of heaven to come and work for you. और अगले ऋतु में हमारे इस ऋतु में हमारे लिए क्या रखा है वो हम नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग जानता है। तो जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम वो चीज़ें जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई है उन्हें चालना देते हैं, लेकिन अगर हमें अन्य भाषा ही नहीं आती तो हम उन चीज़ों को कैसे चालना दे सकते हैं? Alright, today I'm going to speak to you, I'm going to reveal to you certain very very important fundamental laws about the kingdom. और आज हम परमेश्वर के राज्य के मूलभूत नियम देखेंगे। These laws, I want you to engage with them since day one. और पहले ही दिन से हमें उनमें कार्यरत होना है। Because these are the laws that are going to take you to your next level. क्योंकि वही नियम है जो आपको अगले स्तर पर लेके जाएंगे। You will not remain the same. This is my guarantee because this law is tried and tested by me, myself. So that's why I can give you a guarantee that your life will never be the same if you engage with these laws of the spirit. और क्योंकि ये जो नियम है वो खुद
स्वयं में जाचक रखे हुए हैं और उनकी जिंदगी में काम कर चुके हैं, इसलिए जब आप इनमें कार्यरत होंगे तो ये आपकी जिंदगी भी बदल देंगे। I was a believer for many years. For many years, nobody taught me about this law. Had I learned about these things much earlier in my life, in my Christian life, by now I could have reached, I would be at a different level altogether. But when I learned it, I saw my life change. Because even when I received salvation for so many years, it was, my life was as good as not being saved. What do I mean by that? When I don't see the miracles of the Lord, when I don't see the spiritual world intervene in my life, I am an ordinary person, right? So for so many years I was an ordinary person until I understood how to capture and how to operate in these fundamentals. और बहुत ज़्यादा रेवरेंट मसीह ही थी, लेकिन उन्हें ये मूलभूत नियम पता नहीं थे, और अगर पहले पता होते तो शायद इनकी ज़िंदगी बहुत अलग थी। और उनकी ज़िंदगी पहले कैसे थी, जैसे कोई अविश्वासी हो वैसे ही ज़िंदगी थी। इसका मतलब कि जो स्वर्ग के चमत्कार हैं उनकी ज़िंदगी में होते नहीं दिखते थे, और अगर ये नियम पहले पता होते तो ये चमत्कार आपकी ज़िंदगी में भी अभी शुरुआत होगी जब आप ये नियम आपकी ज़िंदगी में लागू करें। बिकॉज़ बिलीवर्स, इफ़ यू आर प्रेइंग यू वांट टू सी द रिजल्ट, राइट? और इट्स वी वेस्टिंग टाइम। If you're praying and you're praying to the Most High God, you better see results in your life. But there is somewhere, there is some method. Like, see, if I want to go to Bombay, but if I take a route of Ahmedabad, will I ever reach Bombay? No. No, I'm going to keep going further and further and further, but never reach my destination. It's the same thing. With the spiritual laws, you need to know exactly how I must go, how I must proceed in this. That's when you will reach your destiny. You will reach your destination. Or else we are just wandering. और अगर हमें मुंबई जाना है लेकिन हम अहमदाबाद का रास्ता पकड़ते हैं तो हम गलत दिशा में भटकते रहते हैं। तो इसीलिए इन नियमों की ज़रूरत है ताकि हमें समझे कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है और कैसे जाना है, क्योंकि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसके नतीजे नहीं देख पाते। यू नो दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ इजिप्ट, ओके, फर्स्ट थिंग बिलीवर्स, इफ यू वांट टू राइज़ टू अ नेक्स्ट लेवल, यू गॉट टू स्टॉप द इजिप्ट मेंटालिटी। व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल केम, द इज़राइलाइट्स केम आउट, when they came out, since the time they came out, they only had one thing in their mind: I want this from God. And when they didn't get it, they started complaining and murmuring against God. Now this is a savage generation. This generation will never receive anything from the Lord. So first, before we enter 2021, we need to get rid of this mentality that as soon as I'm out of Egypt, I want meat, I'm not okay with manna, I want meat, water's not coming, this is not happening. No. That's not the kind of generation that you belong to. 2021 में जाने से पहले हमें मिस्र की मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। इसराइलियों ने क्या किया, जब हम मिस्र से बाहर आए तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, और जब वो उन्हें नहीं मिलता था तो वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते थे, और हमें इस तरह की पीढ़ी नहीं बननी है। सच पीपल डोंट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। सो राइट नाउ आई वांट यू टू गेट रिड ऑफ ऑल द वर्ड्स। गॉड नोज योर वर्ड्स, यू डोंट ऑलवेज हैव टू वॉइस इट, ही नोज व्हाट यू वांट। But now, God, I have decided to come to another level where I am not only voicing my wants, I have a relationship with you, Lord. I have a personal relationship with you. When a husband comes home, the wife, if she sits with a complete, that whole big list, he'll be like, you know what, I have come home. Do you even have a relationship with me? Do you even ask me how I have been? How's my day? You only come with a big list. Don't treat God like that. Don't treat God like an ATM machine. He is not an ATM machine. He desires to have a relationship with us. The minute you start having a relationship with Him, your life will become beautiful. Yes. And people will see that you are called by the name of the Lord. और जैसे कोई पत्नी पति घर आने पर सिर्फ उसके सामने एक लंबी यादें रख देती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उस प्रकार का रिश्ता परमेश्वर के साथ मत बनाइए। परमेश्वर को एटीएम कार्ड मत बनाइए कि जब जरूरत पड़े तभी उसी उसी के पास जाना है। तो परमेश्वर आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता है। ऑलराइट,
are we ready? Are we seriously ready? Because see, this word is very, 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 what do you say? It's for the highest level. And I believe everybody sitting here is of that level. Yes. But I'm going to hear from you. Are you ready to receive this? Yes. Amen. Yes. Amen. All right. So let me give you one good news. Let me give you one good news. Are you ready to exit? First, let me know that. Yes. Are you ready to exit your current yes. situation in the inner man? It all, I told you, your miracles begin come from inside out, not from outside. There is no need of any change outside. Change is needed inside. Are you ready to exit that level? Yes. Today. Yes. Today. Yes. Okay. Alright. So then the good news is, the minute you make a commitment with God, I am ready to exit my current level and move more closer to you. और क्या आप तैयार है कि जो अपना ये स्तर है उसमें से बाहर निकलने के लिए, और जब आप परमेश्वर से अभी वचन कहते हैं कि परमेश्वर मैं अभी को छोड़कर एक नए स्तर पे जाने के लिए तैयार हूँ, बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, तो आपके लिए एक शुभवार्ता है. When I make a commitment, I'm ready to leave my Egypt and move out. You know what happens? Every time you leave Egypt, every time you leave Egypt, you will see supernatural favor. Just the decision saying, I am leaving Egypt. Lord, I was not a very grown, I was just a milk drinking Christian till yesterday, but today I'm going to thank God in everything. I am going to leave that Egypt mentality. Why this didn't happen, why that didn't happen. I am going to love you unconditionally. Do you know what happens? When Moses left Egypt, people of the Egypt, that means their enemies, they came with silver and gold and said, take this, because we know you're going to your next level. And we know you're going to build your God's house. We know that you're going to build your God's house. So when I decide I'm getting into a real relationship with you, Jesus, to build your house, to build it so that people will know and they will see your glory on me. Do you know what happens? You don't have to ask. You don't have to ask. Even your enemies are going to come and give you favor. Yes. First example, when you decide to exit the current level. और क्या आपको पता है कि जब आप मिस्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हो, जब आप अगले स्तर पे जाने के लिए तैयार होते हो, तो इसराइलियों के साथ क्या हुआ? मिस्रियों ने खुद आकर सोना चांदी उनको दिया कि ये लो, और कि हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर का घर बांधने के लिए जा रहे हो. तो हम जब परमेश्वर का घर बांधने के लिए जाते हैं, जब आप अगले स्तर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके शत्रु खुद आपको अनुग्रह देंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे, और जो भी आपको चाहिए वो आपके हाथ में ला कर दे देंगे. When Nehemiah, what was Nehemiah? What was his job? Very comfortable? Yeah. A cupbearer, right? He was a cupbearer. That means he used to be sitting in the king's palace. He used to go for every party with the king because he was a cupbearer. Yes. He had a very lavish life, but he had no relationship with God, and that was not his calling. That was not his calling. Beloved, let me tell you, what you are experiencing till now is not the original plan of God for you. It's not the original plan of God for you. You need to exit this level so that you can come into the fullness of God's plans for you. Nehemiah, however comfortable he was, he knew inside him, this is not it. This is not it. God wants more. And the day he decided to leave, to quit that level and say, God, I'm going to build the walls of Jerusalem. Do you know what happened? That king, listen, when you say, boss, I don't want to work right now. I have a ministry. I want to go all around the world, travel all around the world to establish the kingdom of God. Which boss will say, you know what? You work wherever you are, you will still get your pay. You go all around the world building the house of God, but I will still give you your pay. Which boss does that? We don't know of any. But when God's favor comes, that's what happened to Nehemiah. Do you know what happened? Nehemiah said, God, listen, king, I'm quitting the job. I'm going, I don't know when I'm going to come back. The king said, it's okay. Go. You're going to build your house. I am with you. In fact, I am giving you a letter of favor. Amen. I'm giving you a letter of favor. Listen, beloveds, the minute you decide that I'm moving out of the small level that I have been living, I'm moving into the higher realm, you will see favors that you have never, ever dreamt of. Never thought would ever happen to you.
power of exiting into a higher level. और नहमान कौन था? नहमान पहले बरदार था राजा का और इसलिए राजा के साथ हमेशा रहता था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था. लेकिन जब उसने ये निर्णय लिया कि मुझे यरूशलेम की टूटी दीवार बांधनी है, और कौन सा ऐसा मालिक होता है जो कहता है तुम परमेश्वर का घर बांधो, तुम पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार करो और फिर भी तुम्हें तुम्हारा जो तनख्वाह है वो मिलती रहेगी. कोई मालिक ऐसा नहीं करता. लेकिन जब नहमाया परमेश्वर के योजना में था और उसने कहा कि परमेश्वर मैं तेरा घर बांधने के लिए जा रहा हूँ, तब उसका जो मालिक राजा था उसने कहा नहमाया तू जा, और उसने कृपा की चिट्ठी उसे दी और कहा कि तुझे जिस भी चीज़ की जरूरत है तुझे मिल जाएगी. तो जब हम परमेश्वर के राज्य बांधने के लिए या उसके घर का काम करने के लिए जाते हैं तो ऐसी कृपाएं हमारी जिंदगी में आती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. योर लेवल ऑफ अथॉरिटी, राइट दिस डाउन, योर लेवल ऑफ अथॉरिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. लेट मी रिपीट दिस, योर लेवल ऑफ अथॉरिटी, आपके अधिकार का जो स्तर है इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में, डिपेंड्स, निर्भर करता है ऑन द लेवल, उस स्तर पर निर्भर करता है ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के स्तर पर निर्भर करता है. लिसन, दैट मींस इफ आई अंडरस्टैंड द किंगडम मोर आई विल हैव मोर अथॉरिटी. इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा अधिकार पाएंगे. सो आई प्रे दैट गॉड गिव्स ईच वन ऑफ यू हु इज वाचिंग अस टुडे द ग्रेस टू अंडरस्टैंड द वे द किंगडम वर्क्स. और इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो अनुग्रह मिले ताकि परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है वो हम समझें. ऑलराइट, एफिसियंस 3:9 सेज, एंड टू मेक ऑल सी व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. और Ephesians 3:9 ये कहता है और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था. Very clearly here it mentions that God desires us to know certain mysteries through which we will become more effective. और ये सीधा सीधा यही कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस भेद को समझें ताकि हम और ज्यादा काम कर सके. Where? Effective where? On this earth. On this earth. What do you think? God is going to come and make things happen for you? No. You're making things happen by receiving more and more authority, by understanding the divine secrets, how it works on this earth, how it works in the heaven, and that's what we are learning today. आज हम वही सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर खुदा के काम नहीं करने वाला है. हम चीजों को चालना देने वाले हैं दुनिया में ये समझकर कि ये दुनिया किस तरह से चलती है और परमेश्वर का राज्य किस तरह से चलता है और उन नियमों को यहाँ पर कार्यरत कर रहे. इन सेशंस लाइक दीज वी आर व्हाट आर वी डूइंग, वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर अ मंडेन रूटीन. नो, इन सेशंस लाइक दिस व्हाट इज हैपनिंग, द एनॉइंटिंग दैट कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड इज कॉजिंग आवर इनर मैन टू गेट एक्टिवेटेड एंड टू join with the supernatural. That ability which you will not have sitting in your house right now in this space with the anointing around, your inner man is able to connect with the supernatural. और हम यहाँ पर क्यों जमा होते हैं? इसलिए कि इतवार को जमा होना, लेकिन हम चीजें सीख रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हमारे जो अंदर का इंसान है वो अलौकिक इंसान, अलौकिक से जुड़ जाए. और घर में बैठकर आपको वो काबिलियत हासिल नहीं होती जो आपको यहाँ पर यहाँ के अभिषेक में आकर हासिल होती है. द वर्ड ऑफ गॉड यू आर रिसीविंग इज क्विकनिंग योर स्पिरिट. और जो परमेश्वर का वचन आप ग्रहण कर रहे हो वो आपकी आत्मा को सचेत कर रहा है, सजीव कर रहा है. और Now, when God made heavens, He didn't make one heaven. He made heavens. Okay? He made heavens. और परमेश्वर ने जब अंतरिक्ष के निर्माण निर्मित की तब उसने एक अंतरिक्ष नहीं बनाया बल्कि बहुत सारे अंतरिक्ष बनाए, बहुत सारे आकाश मंडल बनाए. Genesis 1:1 says very clearly, it says in the beginning God created the heavens. The heavens. उत्पत्ति 1:1 में ये कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की बल्कि कई आकाश मंडल की सृष्टि की. Alright, but the earth is only one earth. God says he made the heavens and the earth. So when you're talking about the earth, we know we're talking about this. But when you're talking about the heavens, you need to specify which dimension are you talking about. Listen, this is very, very crucial for you to understand because this is how you're going, this is from where you're going to
All right. So heavens are multi-dimensional. और जो आकाश मंडल है, जो अंतरिक्ष है, उसके कई आयाम हैं और परमेश्वर ने आकाश मंडल और अंतरिक्ष को कई बनाए, लेकिन पृथ्वी सिर्फ एक ही बनाई. When God created Adam, He created Adam in His own image and own likeness. That means own image is what? That Adam will look like God. He'll have two hands, two eyes, two legs. He will look like God. And in His own likeness means that He will have God's own character. आदम का जब बनाया था उसके प्रतिरूप का बनाया, और प्रतिरूप का मतलब यह है कि दिखने में भी वो परमेश्वर के जैसा था, मतलब दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, और उस परमेश्वर का चरित्र भी उसमें आ गया. Watch this. God created man as what? A spirit. God created man as spirit. That means you, when you were created, you are a spirit. You are a spirit. और परमेश्वर ने जब मनुष्य की निर्मिति की पहले तो वो आत्मा में बनाया उसे. तो आप कौन है? आप पहले तो एक आत्मा हो. You got to understand this. I'm not just a human. I am a strong spirit. I'm a holy spirit. Because God was holy, He put His holy spirit in you. So I've become a holy spirit. So आप सिर्फ एक ये इस मांस के मनुष्य नहीं हो जिसमें सिर्फ मांस है, बल्कि आप एक आत्मा हो, एक पवित्र आत्मा हो, एक सशक्त आत्मा हो, क्योंकि परमेश्वर ने खुद का आत्मा आप में डाला है. With the body we sin, but the spirit that has been exchanged when you receive Christ, that spirit that lives in you is a powerful spirit of God, and that cannot be touched. That's always holy. With your soul you can sin, but with your spirit you can never. और आपके मन से, आप शरीर से पाप करते हो, लेकिन आपकी आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई पाप छू नहीं सकता, क्योंकि आत्मा हमेशा पवित्र ही रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर में खुद डाला हुआ है, उसका आत्मा है. आमेन. नाउ इफ गॉड लेफ्ट द स्पिरिट जस्ट लाइक दैट, ही वुड वायलेट सम फंडामेंटल लॉज. और अगर परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा आपने डाला है तो वो मूलभूत नियम का उल्लंघन करेगा. If God just left you as a spirit, he would violate certain fundamental laws of the spirit. और परमेश्वर ने अगर सिर्फ आपको आत्मा बोलके ही छोड़ दिया तो इसलिए वो अपने खुद के मूलभूत नियम का उल्लंघन करेगा. It's called the law of the territory. और उसे क्षेत्रीय नियम कहा जाता है. You got to understand this. Write it down. The law of the territory. You got to understand these laws and principles. आपको ये सिद्धांत नियम समझने हैं. इसे कहा जाता है क्षेत्रीय नियम. What is the law of the territory? क्षेत्रीय नियम क्या होता है? The law of the territory means that as long as you are not made of the raw material of that territory, you are illegal. Watch this. As long as you are not made of the raw materials of that territory, you are illegal on that territory. समझे? अगर आप उस क्षेत्र के कच्चे माल से नहीं बनाए गए तो आप उस क्षेत्र के लिए अवैध ठहरते हो. इसलिए अगर आपको उस क्षेत्र का बनना है, आपको उसके कच्चे माल से बनाया जाना होगा. Watch this now. Watch this now. Do you know something? People of God have started to understand this much later. But do you know something? The kingdom of darkness already knows these principles. Listen now. The kingdom of darkness already knows these principles. That's why you see that there are certain people who go and do certain practices and overnight they become rich. Because they understand these principles. I said heaven was not one heaven, there are many heavens. The second dimension is what happens there. Come on now, we all know it. What happens in the second dimension? Sorcery, witchcraft, all those things, all the occult happen in the second dimension. But now is the time that you go to understand how to operate in these realms, because you are not limited to the second dimension. No. Because God says that the heavens of heaven is my throne. Yes. The earth is my footstool. That means you don't belong to the second dimension. In fact, you belong to the highest dimension where God lives. Right? So no matter how people of this earth become rich overnight, become prosperous overnight, do all those kind of things, but they will still never survive. Because you come from the third dimension, because God says no matter what you do, but I'm still dominating you. Yes. You are still under me. The forces of darkness are still under me. They are still my footstool. So beloved, if you see those people become rich overnight,
we are understanding the same spirit, we are understanding the same laws, but the difference is that they have a limitation. They can't cross that limitation, but we can cross every limitation because we are operating from a dimension that's the ultimately highest dimension, that's the most holy dimension. So when they have understood this long back, I think it's high time people of God must understand how to engage with these spirits so that our lives begin to prosper. So that we start seeing things which are not in our own capacity. और आप देखोगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जादू टोना कर कर या तो फिर ऐसे अंधकार की शक्तियों का इस्तेमाल करके रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। हमने देखा है कि परमेश्वर ने अलग अलग आकाश मंडल निर्माण किए, अलग अलग आयात निर्माण किए, तो ये जो भी उन पर ये जो स्थिति आती है जहाँ पर वो अमीर हो जाते हैं वो दूसरे आयाम में काम कर होती है और अंधकार की शक्ति को इस्तेमाल कर होती है, लेकिन हम तीसरे आयाम के लोग हैं, हम परमेश्वर के आयाम के लोग हैं, तो उन लोगों ने तो पहले ही बात समझ ली है और इसलिए वो कार्य करते हैं। अभी हमें ये बात समझकर तीसरे आयाम के जो आत्माएं हैं उनको उनमें कार्य करके परमेश्वर के आयाम में कार्य कर ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में बैठा हूँ और पृथ्वी मेरा पादासन है, तो परमेश्वर कहता है कि सारी चीज़ें मेरे हाथों तले हैं और तुम चाहे जितना कुछ कर लो तो मेरे हाथों तले ही होंगे। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये चाहे जितना आगे बढ़ जाए इनके जीवन में एक सीमा आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के आयाम में काम करते हैं हम सारी सीमाएं छलांग मारकर निकल जाते हैं। सो इट्स वेरी सैड दैट पीपल ऑफ गॉड डू नॉट अंडरस्टैंड दीस प्रिंसिपल्स येट, बट नाउ इट्स हाई टाइम। लाइक वी से बिलीवर्स, दीस आर द लास्ट डेज, दैट्स व्हाई गॉड इज रिवीलिंग दीस प्रिंसिपल्स सो दैट इन दैट शॉर्ट टाइम वी कैन अकॉम्प्लिश मच मोर। ओके, now so what happens, why do you call species that are not from this earth aliens or unidentified objects? Because they don't belong to this earth, they can't survive in this atmosphere, they are not made of the raw materials of earth. और जो पृथ्वी के नहीं होते उन्हें हम दूसरे ग्रह के प्राणी या तो फिर अज्ञात वस्तुएं क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जब वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, पृथ्वी के क्षेत्र में आते हैं, वो यहाँ पर टिक नहीं पाते, वो यहाँ पर जी नहीं पाते। Now man was created in the image of God, right? That means he's a spirit, right? If he's a spirit, where does he belong? He belongs to the heaven. That's his place, right? He can't survive on earth. That's his place. He got to be in the heaven because he was made from the raw materials of the heaven. और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, आत्मा बनकर बनाया, इसलिए आत्मा का काम कहाँ होता है, वो कहाँ का है, वो स्वर्ग का होता है, इसलिए हम स्वर्ग के क्षेत्र में कार्य करते हैं। But now, beloveds, you know, the God that you serve is so mighty, you don't even know the authority that He's given you. He said that I want my creation to rule even on the earth. He said, I can't rule on the earth. Listen now, watch this. God is a spirit. He's illegal on earth. But God said that I will make man in my own image, but I will make him in such a way that he will have authority on the earth and in the spiritual realm. Hallelujah. He's got to be in both places. क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, वो पृथ्वी पर अवैध ठहरता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य बनाऊंगा और उसे ऐसे बनाऊंगा जहां पर वो पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी अपना अधिकार जमा सके। So, God had to give man a body that was made with the raw materials of the earth, which was friendly with the ecosystem of the earth. So what happens is that human body is 70% water. Yes. The earth is 70% water. Yes. Are you with me? इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य बनाया तब उसे पृथ्वी का कच्चा माल लेकर उसे बनाया, और इसलिए मनुष्य जो है वो 70% पानी है, और जब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर भी 70% पानी है। Man was made with the dust of the earth. और मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया है। So now, man, listen, that's what I said. Kingdom of darkness prevails where there's ignorance. But when ignorance is taken off, like today, when ignorance is taken off, the kingdom of darkness cannot rule over you. Yes. Because now you know. क्योंकि हम अभी
भी जानते हैं हम अभी नादान नहीं है, हम जानते हैं कि मुझे पृथ्वी पर भी अधिकार है और स्वर्ग में भी अधिकार है, तो अब मैं अपना अधिराज्य जमाऊंगा। और इसलिए हम नादान थे, हम ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए हम हार रहे थे, लेकिन अब हम उसमें कार्य करेंगे। Now, to control this system, listen, have you seen these big cruises and all that? They have a big control system with everything so that it can control the whole cruise. God gave us an amazing control system called the mind, so that this mind can control both the realms. I can be spiritual, I can be natural. I can have dominion on both. Through the mind. और जब हम बड़े बड़े हवाई जहाज या जहाज देखते हैं, हम देखते हैं कि उनको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं जिससे वो उसे चालना देते हैं अपने मर्जी से। तो हमें परमेश्वर ने मस्तिष्क दिया है, मन दिया है, जिसकी वजह से हम आत्मिक भी हो सकते हैं और हम नैसर्गिक भी हो सकते हैं। Now the most important thing, remember, God designed the earth in such a way. God designed the earth in such a way that it will always be dependent on the heavens. That He designed the earth to be vulnerable. He designed the earth to be vulnerable. That means the earth will always be dependent on heavens. और परमेश्वर ने पृथ्वी इस तरह से बनाई है ताकि वो हमेशा स्वर्ग पर निर्भर रहे, और स्वर्ग को और पृथ्वी को आघात योग्य बनाया है ताकि वो हमेशा स्वर्ग पर ही निर्भर रहे। The earth will always require spiritual assistance. Write it down now. The earth will always require spiritual assistance. It will need the spirit realm to come and help it. और पृथ्वी को हमेशा स्वर्ग की मदद लगेगी, कि हमेशा स्वर्ग में आकर उसकी मदद करनी ही होगी। सो इफ मैन स्टॉप्स बीइंग स्पिरिचुअल, इफ मैन स्टॉप्स बीइंग कनेक्टेड स्पिरिचुअली, हिज ग्रोथ स्टॉप्स ऑन द अर्थ। आर यू विद मी? यस। आर यू रियली विद मी? यस। इफ मैन स्टॉप्स कनेक्टिंग स्पिरिचुअली, ही विल बी ऑफ नो यूज इवन ऑन द अर्थ। That's why beloved churches are no longer. Churches should not no longer be ordinary churches. Churches are a place where we are in the last, and we need to understand these deep things so that I need to begin to activate who I really am. So I don't care if you are a church goer for years, but if you don't know these laws, if you have not connected to the spiritual world, you will see nothing happening on the earth. You can take the name of Jesus all day long. Jesus is not in, it's not, listen, there is a lot of intelligence in the spiritual world. That's why I said there are ways and routes and keys given to you. If you're not going to use the key, you're going to sit outside the closed door forever. But from today, when you decide to start connecting to the spiritual world, the earth will begin to give fruits. The earth will begin to give fruits. All things will begin to show effect on the earth. Why? Because now you're connected to the spiritual world, and the spiritual world dominates the natural. Amen. Hallelujah. Yes. और मनुष्य अगर आत्मिक नहीं बनेगा तो उसकी जो बढ़ती है, उसका जो बढ़ना है वो पृथ्वी पर रुक जाएगा। तो इसलिए हमें आत्मिक रीति के नियम, आत्मिक दुनिया के जो रास्ते हैं, आत्मिक दुनिया की चाबियां समझनी है, उसे हासिल कर उसे अपनाना है, ताकि हम इस पृथ्वी पर प्रभाव डाल सके, प्रभावशाली बन सके। डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन आई से दैट यू नो व्हाट, दिस 3 डेज आई डोंट फील लाइक आई एम आउट ऑफ माय हाउस, आई विल बी लॉक्ड इनसाइड. No phone calls, no messages, no nothing. Do you understand why? Do you understand how important it is? Because what's happening is that what I do on this earth, how many meetings I do, how many deals I do, that's not important. Because you can close 10,000 deals and all those deals can go for a flop show if you don't know how to connect with the spiritual world. But when I am in that place where I am connected with and I'm constantly being renewed and connected with the spiritual world, do you know what happens? Automatically things come to me and they say, you know what, they will come searching for you. They will come searching. Jesus was a spiritual man. When he was born in the manger, but kings came searching for him. Yes. Why? Because when you are in that place, in the secret place, consecrating yourself and trying to move higher, that's the time that God releases supernatural favor, because you are ready to do something which is not ordinary. Yes.
Yes. What are you doing? You are now coming out of your body. Listen, listen. When you're consecrating, when you're spending the time with the Lord, when you're understanding the kingdom of God, you are coming out of your body and becoming much greater than that. You are becoming a spiritual being. Yes. When you become a spiritual being, do you know what happens? Everything is in control of that spiritual being. And that's when business comes. That's when money comes. That's when health comes. That's when relationships prosper. That's why, beloveds, don't ignore your alone time with God. That's the place where you are built. That's the place where you really are making a life for yourself. और इसलिए जब परमेश्वर के साथ आप अकेले में समय बिताते हो, उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि आप वहां पर आपकी जिंदगी बनाते हो। तो जब यीशु मसीह कहां चल रहा था, वो तो उस जहाँ पर भेड़ बकरियाँ थे, गवानी जिसको बोलते हैं, उस वहाँ पर जन्मा था और वहाँ पर राजा उसे ढूंढते आए थे। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हो, जब आप आत्मिक रीति से चलते हो, तो लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं और लोग ये कहते हैं कि हम आपको कृपा देना चाहते हैं, रिश्ते आते हैं, पैसा आता है, क्योंकि आप जितने भी व्यापार कर लो वो सब नाकामयाब हो जाएंगे अगर आप आत्मिक रीति से नहीं चलोगे। Listen, that's why it's not usual for you to be sleeping in your room, yet be somewhere else, which you call a dream. That's why it's not unusual for you to be sleeping in your room, in your body, or sleep in your room. But because you are also a spiritual being, you can be in another place, which you call a dream. और इसलिए जब आप आपके कमरे में सोते हो, आप शरीर से तो वहां पर होते हो, लेकिन आप मन से कहीं और होते हो, जिसे हम कहते हैं सपना। यू नो यू कैन बी विजिटिंग अ प्लेस इन योर स्पिरिट 2 weeks अहेड ऑफ टाइम। यू सपोज टू ट्रैवल टू दैट प्लेस 2 weeks लेटर, बट यू नो व्हाट, इन योर ड्रीम यू ऑलरेडी विजिटेड दैट प्लेस। व्हाई? बिकॉज आई एम गिवन डोमिनियन ऑन बोथ द वर्ल्ड्स। सो व्हेन माय बॉडी इज रेस्टिंग, दैट्स व्हेन माय स्पिरिट आल्सो कैन बी इन अनदर प्लेस where God can take me different places. Why do dreams have so much meaning then? Yes. Right? Because in dreams, listen now, dreams are a way to take you in your future and take you in your past. So that the mistakes that you have done in your past, you will not do them again in your present. And why it takes you in your future? So that you can prepare yourself for that future. Yes. Right? Are you with me? Yes. That's the authority we have. That's why don't take dreams lightly. Yeah, there are dreams from the enemy as well, which you need to reject. But there are more meaningful dreams that God gives. You know what happens? If God has shown you something in your dream, you know, for example, God has shown you that, you know, you're standing on, you were standing in a tower, and you know there are a lot of people below. I mean, they're just waiting for you. You can see so many people down there, and you're just on top of a tower. God is saying something. God is saying that very soon you are going to be standing up and preaching to the world. Yeah. These are the meanings of dreams. Listen, but what happens if I have that, have received that dream? I got to be incubating. I got to take that dream importance. Yes. I got to take that dream and fix it in my prayer to say yes, yay, and amen. I believe this, and this is what I'm going to keep confessing. Many dreams don't happen to you, beloveds, because you have never captured those dreams. You see yourself in a Ferrari, in a dream. You see yourself in a mansion in a dream. Has it come down into your vision book? Have you written that very soon driving a Ferrari? Yes. Very soon living in my own mansion? Is it in your vision book, or is it yet in your dream and you've forgotten about it? That's why dreams don't come to pass. These are laws which we need to engage in. और ये नियम है जो हमें चलना है, जैसे सपने हम शारीरिक रीति से सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा आत्मा आगे भविष्य में जाता है या तो फिर पीछे भूतकाल में जाता है। भूतकाल में इसलिए ताकि हम वहाँ की गलतियाँ दोहराए नहीं, और भविष्य में इसलिए जाता है क्योंकि परमेश्वर दिखा रहा होता है कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो जब आपको परमेश्वर से सपने आते हैं, तो उन सपनों को अपने पुस्तक में, अपने दृष्टांत की पुस्तक में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप वो लिखते हो और आप उस पर मनन करते हो, तब आप उसको गर्वाहट दे रहे होते हो ताकि वो आपकी जिंदगी में घटे। और बहुत सारे सपने जो परमेश्वर ने दिखाए, वो आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। An average person just sits and says it will happen wherever God wants it to happen. That's never happening with you. It's never happening with you.
It's never happening. Spiritual world is not automatic. No, you got to sow in that. That means take that dream and say yay and amen. That's when it will start happening. So remember that manifestations happen when you jump into it. When you make it your own. और आपको चीजें तब घटती दिखेंगी जब आप उन्हें अपनाते हो, आप उसे आमीन कहते हो और तब जब आप उसे अपना कह के बुलाते हो। Now God told Adam to name the species, to name the animals and all those things. God told Adam to name them. और परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू जितने भी जानवर और की प्रजातियां हैं उन्हें तू नाम देना। Adam didn't literally name them. Science is what gave lion the name of a lion. But Adam gave them their character. That means Adam said that a lion, this creature should be fierce. A lamb, this creature should be humble. Okay? Should be meek. Adam gave the character. Right? और विज्ञान ने जो हम जिसे बब्बर शेर कहते हैं या शेरनी कहते हैं विज्ञान ने उन्हें ये नाम दिए हैं लेकिन आदम ने उन्हें चरित्र दिया था कि जैसे बब्बर शेर को वो भयंकर होता है और जो मेमना होता है वो नम्र होता है तो उन्हें चरित्र दिया एंड गॉड सेड अ यस टू इट व्हाई डिड गॉड क्रिएटेड हिमसेल्फ गॉड ट्रस्टेड एडम सो मच लिसन नाउ व्हाट इज गॉड ट्रस्टेड एडम सो मच दैट गॉड न्यू दैट आई हैव मेड हिम इन माय ओन कैरेक्टर माय ओन लाइकनेस So whatever Adam does, I would have done the same thing if I would have been there. Right? God trusted Adam so much. That's why God said yes because he knew that he will do exactly what I want him to do. और परमेश्वर ने आदम पर भरोसा किया और इसलिए उसने आदम को ये काम सौंपा क्योंकि वो जानता है कि क्योंकि आदम को मैंने अपने प्रतिरूप का बनाया हुआ है तो जो उसने किया वही मैं करता था करता तो इसलिए आदम पर भरोसा रखकर उसने ये काम सौंपा नाम देने का. Until the time Adam lost that connection. By sinning. जब तक आदम और परमेश्वर के परमेश्वर अलग नहीं हो गए पाप के द्वारा. I want you to keep connected because we're going somewhere with this. All right? Okay. Now, what happened when Jesus came? He started putting all things back together. The relationship with God back together. जब यीशु मसीह दुनिया में आया, तब उसने फिर से पिता के साथ हमारा नाता जोड़ दिया. He started restoring authority which we lost through Adam. और अधिकार जो हमने आदम के द्वारा गवा दिया था यीशु मसीह ने फिर से वो अधिकार हमें दिलवाया दैट्स व्हाई ही टॉट अस द लॉर्ड्स प्रेयर लेट इट बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन और इसलिए यीशु मसीह ने वो प्रार्थना में सिखाई पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है बिकॉज़ ही नोस दैट पावर डजंट फ्लो फ्रॉम अर्थ टू हेवन इट फ्लोस फ्रॉम हेवन टू अर्थ बट व्हाट हैव वी बीन डूइंग वी आर प्रेइंग द अर्थली थिंग्स इन द अर्थ डू यू नो व्हाट्स गॉड्स प्लान फॉर यू इन द फ्यूचर You can put the best plan. You can write down the best plan. But do you know God's plan exceeds your master plan? Do you know that? Yes. Do you know that? Yes. So what happens then? What do I need to do then? I need to say, God, let 2021 be done in your way. Yes. As it is in heaven. Listen now. As it is in heaven, so shall it be done for me on the earth. So shall it be done to the earth. What? We are earth. Yes. Made by the dust, right? We are the earth. As it is in heaven, so shall it be on the earth. Yes. As it is in heaven, so shall it be in me. Yes. Are we understanding? Yes. Yes. और इसलिए हमें अभी ये प्रार्थना करनी है कि 2021 में परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो पृथ्वी मतलब हम क्योंकि हम पृथ्वी की चीजों से बनाए गए हैं हम पृथ्वी की मिट्टी और पानी से बनाए गए हैं इसलिए हमारे जीवन में मुझ में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही मुझ में हो लिसन नाउ नथिंग दैट हैपेंस टू योर लाइफ हैपेंस डायरेक्टली नो नथिंग दैट हैपेंस टू योर लाइफ हैपेंस डायरेक्टली जॉब वाज नॉट अफ्लिक्टेड डायरेक्टली Before affliction came over Job, it was discussed and calculated in heaven, where even Satan was a part of it. Yep. It was calculated in heaven. God said, so much I will allow, but I will not let you touch this man. This is what you will do. Calculations were made in heaven. Nothing happens on earth until and unless it has already been planned and schemed in the heavens. Yes. Okay, now what can I do in this now? और हम योग का देखते हैं योग के बारे में योग पर सीधे सीधे पीड़ा नहीं आई थी योग पर पीड़ा पूरी गणना के साथ पूरे सोच समझ कर लाई गई थी जहाँ पर पूरे स्वर्ग में उसके बारे में बातचीत की गई थी तो कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में सीधे सीधे नहीं घटती उसकी गणना उसकी बातचीत पहले ही स्वर्ग में होती है तो अभी इसमें मुझे क्या करना है बीइंग बिलीवर्स इट टुक अस मेनी इयर्स
until we started to understand how to participate with the Spirit to get things done in our life. Listen now. As believers, we wasted too much time in not understanding how can I participate in heaven and turn things around for me on the earth. Today, we need to understand that. That's what we are doing right now. और इतने साल मसीहों को ये समझा ही नहीं कि ये सारे जो आत्मिक रीति में हमें कैसे भाग लेना है और हमें चीज़ें कैसे घटानी है ताकि चीज़ें हमारे लिए पृथ्वी पर हो ताकि हम उसमें सहभाग ले सकें जो आत्मिक चीज़ें स्वर्ग में चल रही है. Listen now, when Job was attacked, when the whole tragedy happened with Job, he didn't realize until chapter 42, where in chapter 42, he summoned God. And God gave him a secret, pray for your friends. The minute he started praying for his friends, his life started changing. Everything he lost was restored back. और जब 42वें अध्याय में हम देखते हैं कि योग की जिंदगी तब बदली, उसके ऊपर एक भयंकर परिस्थिति आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति को सब ठीक कर दिया और जो भी उसने गवा दिया था सब कुछ उसे तब मिला जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की. All things came back. The money came back. The favors came back. The business came back. The people came back. That means they are already there. They were already there. Everything that Job needed was already there. But Job, only if you understood the secrets, you would not take 42 chapters. Yeah. You would not need 42 chapters. Yeah. Beloveds, what are we doing right now? Understanding the secret so that it doesn't take us 42 chapters. Amen. Yes. You know what happened? Listen now. Job, when in the chapter 42, he called God. God gave him a secret and he started following that. That's when doors began to open once again. Alright? That means what did Job do? Job participated in the heaven. That means, listen, when I am receiving instructions from God, when God is telling me, listen to me now, I'm giving you these personal instructions which you need to follow. I don't care about the world, but you got to pray. God, why should I pray about the friends? Look at this. Job would have said everything that was going on in his life. Job would have said, in this now you want me to pray for those friends who came and blasphemed you. God said, yes. You never ask God why. You just obey. Yes. And the minute he started obeying, doors started opening for him. So you know what happened? Listen, what happens to us? When things are being planned for us in the heaven, when meetings are happening in the heaven, you need to be a participant in that. You need to participate in those meetings. Yes. So that I know, God, I am a spiritual. Listen, Job wasn't participating there on that day one. No. That's why he didn't know what was happening to him. But do you know what happens? When I spiritually, every day, I'm getting closer and closer to the Lord. Spiritually, I'm growing stronger. Do you know what happens? I'm constantly participating. And then what happens? You know, listen, when certain plans are going on in heaven, when certain things are being discussed about me in heaven, I speak, and when I speak, that becomes the plan then. Had Job been there, listen, had Job been there, he would have said no. God says that he takes pleasure in my prosperity. He takes pleasure in my prosperity. I will never see that because he takes pleasure in my prosperity. Do you know what happens? The meeting that's going up there, suddenly your word is being framed. That's how my future is going to look because I just participated in the heavens now. When everything was trying, listen now. How do I explain this to you? Why did God invite Satan? Because he wanted to show him how faithful my servant is. He just doesn't love me because I've given him everything. But at that time, when those things were being discussed, and if Job was a spiritual person, do you know what would happen? At that time, there was something that would be born.
boiling inside Job. Oh my God, I think I'm at the peak. I think something's about to happen. I think something is going on. Immediately, Job would burst out and go in tongues for an hour, 2 hours, a whole day together. Do you know what happens when you're speaking in tongues constantly? You don't know what's happening, but there's something inside me that is saying that I need to be praying. I don't know what I need to be praying, but I know that I need to be praying. I don't know what's happening. I don't know that particular friend of mine over there is just about to commit suicide. There is something inside me that is giving me an urge to pray. When I'm speaking in tongues, I'm participating in heaven, and I am dismantling all the works of darkness, and now I am putting, I'm replacing the kingdom work in that place. Are you with me? Yes. What happens for 2021? What happens? Nobody else takes a decision. That's why I said that 2021 better submit to me. Yes. Doesn't happen just by me saying, but I need to keep speaking in tongues and keep filling 2021 with what I want. Hallelujah. With what I want. Do you understand the power of tongues? Do you understand the power of being spiritually connected? When you're spiritually connected, there is nothing that is going to go wrong on the earth for you. Because you have dominion. You have dominion. You are exerting dominion. And that's what the enemy is far away. He says, not this one. This one knows his business too well. This one knows his business too well. I can't do anything about this. और अय्यूब के साथ क्या हुआ? जब पहले अध्याय में उसके बारे में स्वर्ग में बातचीत हो रही थी, तब शैतान भी वहां पर मौजूद था, लेकिन अय्यूब वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है 42वें अध्याय तक। और जब परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि तुझे क्या करना है, जब उसने वो निर्देश पर अमल किया, तब उसके पास सारी चीजें वापस आने लगी। इसका मतलब जो भी चीजें उसने खो दी थी वो दुनिया में मौजूद थी, बस उसके पास आ नहीं रही थी। जब हम परमेश्वर के निर्देश मानते हैं, उसके सानिध्य में जाकर उसे निर्देश लेकर उसको उसके अनुसार चलते हैं, तो वो सारी चीजें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रख रखी है वो हमारे पास आने लगती है। और जब परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में जब आपके लिए मीटिंग हो रही होती है, तब आपको वहां पर मौजूद होना चाहिए, आत्मिक रीति से मौजूद होना चाहिए, ताकि वहां पर खड़े रहकर आप बोल सको कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरे बात में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तब 2021 जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, इसलिए हम कह रहे थे कि 2021 को मेरे अधीन होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़े हुए रहेंगे। जैसे हम आत्मिक रीति से जो समझ चुका होता कि मेरे साथ कुछ तो घटने वाला है, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गया होता, तो शायद वो चीजें उस पर नहीं आती। तो हमें कभी कभी समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ तो होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इसके बारे में प्रार्थना करनी है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, हम चीजें, हम योजनाएं हमारे लिए स्वर्ग में बदल सकते हैं। यू डोंट नो द अमाउंट those huge storms which will just come and just pass you by. They won't even touch, they won't even enter. You know why? Because you are that spiritual one. You are so connected spiritually that you knew. You already knew it. You were participating in that. And that's why you started praying in tongues at the right time. At the right time, you didn't get married to the wrong person. At the right time, you didn't get into that wrong partnership. At the right time, you moved out of that place which was supposed to be blasted. At the right time. When you are spiritually connected, beloveds, there is nothing that can go wrong with you. Yes. Nothing that can go wrong. You will never be disadvantaged. और जब आप आत्मिक रीति से परमेश्वर के राज्य के साथ आप जुड़े हुए होते हो, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा और आपको कभी हानि नहीं पहुंचेगी। वो आंधियां आपको छूकर भी नहीं जाएंगी। जहां पर ब्लास्ट होने वाला था वहां से आप सही सलामत निकल चुके होंगे। आप पर कुछ भी हानि नहीं आएगी, क्योंकि आप आत्मिक रीति से जुड़े हुए हो और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो और चीज आपके लिए मिल रही है। बिजनेस, मनी, favor, jobs, exaltations, promotion. और आप क्या ढूंढ रहे हो? आप व्यापार ढूंढ रहे हो, आप पैसा ढूंढ रहे हो, आप उन्नति, वृद्धि, नाम, शोहरत, ये सारी चीजें ढूंढ रहे हो। You know why it's not coming to you easily? You know why it's taking so much time? क्या? Because you're searching for it. You're looking in the wrong place. You're looking to man for all this. You think inside you think it's not yet there, I have to pray that it will be done. No, it's right outside your door. It's waiting for you. Listen, I know what I'm talking.
the prosperity you need, the levels you need, it's all waiting for you. It's all waiting for you. But do you know? They're not going to be found in the world. It's not on the earth. It's not on the earth. It's in the spiritual world. It's in the heaven. And do you know, when you start praying and seeking the Lord and keep moving higher and higher spiritually, there is nothing that will not happen to you. Amen. There is nothing that will not happen to you. Beloved, by 2021, end. You got to be in a place where when you look back, you'll be like, you know what, this is just a dream. This is just a dream. Last night, me and my mom and dad, we were just sitting and having fellowship. And that's what we do every year. When we saw, and when we look back, it's just a dream. It's just a dream. It's just a dream. Because God loves you. God loves you. He hates it when you are in the same place. And He's trying to tell you, do you know what? Come out. Your miracle is not on this earth. It's not with a man. How long will you chase a man? That man is always going to deceive you. Because many a times, it's not the man who's deceiving. Listen, let me tell you this. Many a times God makes the man deceive you. He makes the man deceive you because He wants you to learn that your miracle is in the spiritual realm. It's with me, not with man. It's inside of you. You're pregnant with it. It's not with man. Beloved, 2021, stop searching for your miracle in the wrong place. Everything that you need is in the spiritual world. Tell me one thing. Listen. Now you question me. How do I bring it to pass? How much of consecration have you done? Have you kept that one day at least aside where I'm going to be in the presence of the Lord, fasting and speaking in tongues and saying, God, let your will be done? How many in this place? A handful. Consecration is not new for Zion Ministries. We've been consecrating always and forever. There were times when we were going on fast continuously back to back. Yep. Yes. So what, every year you need someone to come and again give you an invitation for consecration? No, beloveds, you need to know a pattern. You need to know a pattern that when I'm moving, now listen, when I'm moving to a new dimension, I know in my spirit that God wants me to rise to a new level. Immediately I got to start preparation work here. I got to start fasting. I got to start praying in tongues. I got to start changing my attitude about things. I'm telling you, the next year, by the end of the next year, you will not be in the same place. That's my guarantee. If you are following and engaging yourself. और 2021 आपका पहले जैसा पिछले साल जैसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आप ये नियम अपने जिंदगी में अपनाते हो तो क्या आपको न्योता देना पड़ता है कि आप परमेश्वर के सानिध्य में जाओ और उपवास करो और परमेश्वर से चीजें मांग लो नहीं हमारे लिए परमेश्वर के लिए अलग होना और उपवास करना कोई बात नहीं है हम जाहिर है बहुत सारे लोग ये हमेशा से करते आए हैं तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो अपने आप अपनी चीज हमारे लिए चमत्कार घटने लगते हैं क्योंकि हम उसके साथ अभी गर्भवती है परमेश्वर हमें मनुष्य हमें धोखा देता है लेकिन कई बार परमेश्वर उस मनुष्य को धोखा देने लगाता है क्योंकि परमेश्वर यह दिखाना चाहता है कि तुम्हारा चमत्कार स्वर्ग से आने वाला है मुझसे आने वाला है और तुम गलत जगह पर अपना चमत्कार ढूंढ रहे हो तुम मनुष्य में अपना चमत्कार ढूंढ रहे हो और उनसे मदद की अपेक्षा कर रहे हो Alright, Ephesians 1:3 says, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Very clearly, it says that every blessing that you need is already in the heavenly places. Amen. It's in the heavenly place. So what are you going to do? Not seek it on earth, seek it in heaven. Yes. We are going on a fast from Jan 1st to the 21st. You can have just fast for one meal. I don't care even if you are on medication. No, just do this for yourself. One meal. Just one meal fasting is not a big deal. And you're going to be just praying in tongues, saying, let it be as it is in heaven, so shall it be done on earth. That means in me, in my life. All 21 days, no other agenda of prayer, only praying in tongues and saying, let it be done to me as it is in heaven. That means as God is planning in heaven, it's going to happen. Now. At the same time, God is saying, give me, fill it up. You are a part, right? You are a partner in the whole business. Discussions never happen when you're two partners. Both partners have to agree together. Amos says, when two don't walk together, they are not in agreement. God says, I've planned beautiful things for you. What about you?
while your fasting was 21 days, you're going to only speak and bombard your future with the promises of God. Yes. Nothing else. Nothing else. Doesn't mean only when I'm in my prayer closet, I'm going to only speak promises of God. No. Even if you're tempted to speak negative about yourself, watch this. Those 21 days you are framing your 2021. Are you with me? Yes. Those 21 days of fasting, you are framing your 2021. I'll tell you why is it important, even as I'm ending. Ephesians 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो हमारी आशीष स्वर्गीय स्थान में पहले से ही मौजूद है, लेकिन अभी उसे हमें पाने के लिए 2021 में 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हमें उपवास करना है और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, और उस वक्त ये कहना है कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा है वैसे ही मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा हो, और उस वक्त परमेश्वर के सारे आशीष, परमेश्वर के अभिवचन जो पवित्र शास्त्र से है, उन्हें बार बार बोलते रहना है, और गलती से भी कभी भी कोई नकारात्मक चीज हमारे मुँह से ना निकले, क्योंकि इन 21 दिनों में हम 2021 के लिए योजना बना रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है और कोई भी जब पार्टनर होता है तो वो दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता, तो हमें अभी इस वक्त 2021 के लिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई रखी है उसके लिए हमें परमेश्वर से सहमत होना है। Watch this now. No man of God, I'm not talking only about believers, even the wicked, like we just discussed, right? No man of God becomes great by himself. No man of God becomes a person, no man, whether believer or unbeliever, becomes great by himself. और कोई भी मनुष्य अपने आप ही कभी महान नहीं बनता। If you ask him, there are laws of the spirit which he has understood and he has tapped into. और अगर आप उसे पूछेंगे तो कोई ऐसे आत्मिक नियम है जो उसने समझे हैं और उसे अपनाए और उसके अनुसार काम किया है। There are laws of the spirit which he has understood and he is engaged with. और वो नियम उसने अपनाए हैं और उसे काम में लाया है। Okay, all right. So today, what are we doing? Beloveds, what are we doing? We are engaging with the spirit. All right? Is it in your mind, whatever we have spoken? Yes. Is it right yes. there? Yes. Okay, yes. Great. Now, like we said, nothing happens on earth until and unless it happens in heaven too. तो हमने अभी देखा कि कुछ भी पृथ्वी पर नहीं घटता जब तक स्वर्ग में वो आपके लिए नहीं घटता. Including your tomorrow, which already exists in the spiritual realm. Your tomorrow is a tomorrow for you. You don't know what's going to happen tomorrow, but heaven already knows what's in your tomorrow. और आपका कल जो है वो स्वर्ग में पहले ही घट चुका है, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन स्वर्ग को पहले ही पता है कि आपके जिंदगी में कल में क्या होने वाला है। Watch this now, but your tomorrow doesn't have what you require. Your tomorrow doesn't have what you require until and unless you edit it. Your tomorrow doesn't have what you require until and unless you edit it. और आपका कल में वो बात नहीं है जिसकी आपको जरूरत है जब तक आप उसे बदले नहीं। What do I mean by editing? Everything that's wrong, I pull it out. Okay. Lockdown? Did anybody know 2020 is gonna face a lockdown? How did it treat the people of God? Excellent. I don't know about the others. For me, it was wow. Yes. For me, it was excellent. Yes. For me, I made most money in the lockdown. Yes. For me, I've had best things in the lockdown. Yes. For me, my family marriages are happening in the lockdown. Yes. Zion, my first marriage of Zion is happening in the lockdown. Yes. Who knew all that? Do you know why? Because, beloved, before 2020, we went on a consecration. Yes. Yeah. And during that, oh, I forgot, 2020 people have bought properties which they thought would never come to them. Yes. You know why? Because in 2019, when it was ending, we edited it. We negated it. We removed everything that we didn't want. And we added everything that we wanted. Who knew a lockdown was going to come? Who knew businesses are going to become a flop show? But for those who are of the spirit, listen. It's not just to say that I go to the Zion Ministries. Oh, please. Doesn't work like that with God. Are you seriously spiritual? Only God knows what you do in your house alone. I'm nobody to judge. Don't even want to get there.
But if you're really what you are, even if the world is coming to an end, you will still be rejoicing and singing glory and praise unto the Lord. Hallelujah. Why? Because I've predicted my tomorrow. 2020, people didn't know that lockdown was going to come. But I don't know. I've already edited the wrong things from my life. That's why I could see only the good ones. Are you with me? Yes. That's the power of editing. That's the power of taking out the wrong things and filling in the right things. That's the power of being spiritual. That when things come, it could affect your neighbor, but it will never affect you. Mm-hmm. What do you mean? What does God mean by that promise? Is that it will not, you know what? It will not touch your doorpost. The death angel will pass by every house that has the blood of the Lamb. Yes. What do you mean by having the blood of the Lamb? We've not understood, beloveds. Blood is life. Yes. That means I'm becoming, my life is there. I am no longer an earthly being. I'm constantly living there. I'm constantly soaked in the blood of Jesus. Yes. I don't do it while taking communion alone. When I am there, listen, everything falls in place for me on the earth, no matter what happens. Even if the world is coming to an end, I will still be rejoicing because nothing affects me. I've already edited my tomorrow. बदलना मतलब क्या कि जो सारी बुरी चीजें कल घटने वाली है उसे आप बदलकर अच्छी चीजों में परिवर्तित कर दो, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन होने वाला है, लोग अपने घरों में बैठने वाले हैं, किसी को पता नहीं था, लेकिन बाकियों को तो पता नहीं है, लेकिन जान के लोगों के लिए वो जो दिन थे वो बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत आशीषित गुजरे। और आपके घर में क्या करते हो, आप तो कहते हो कि आप बहुत आत्मिक हो, लेकिन आपके घर में क्या करते हो ये आप ही जानते हो, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थिति भी आए, अगर आप आत्मिक हो, आप हमेशा उसमें आनंद मनाते रहोगे, आप परमेश्वर में खुश होते रहोगे। क्योंकि ये दिन हमने क्यों देखे, क्योंकि 2019 में हमने अलग होकर परमेश्वर में उपवास किया था, परमेश्वर के सानिध्य में जानकर कि क्या ये जान लिया था, तो इसलिए हमने वो 2020 हमारे लिए बदल दिया था, जो अभी हम 2021 के लिए ही करने वाले, के लिए भी करने वाले। You wanna sit and cry? Choice is unto you. You wanna sit and cry? Choice is given to you. Nobody is going to come and help you. Watch this. You want a pity party? People will come and say, oh, very sad, what happened to you? I mean, this and that. And the next day, nobody even will knock your door. Decide what you want. So right now, listen. That person, that family member of his mind is influential. I know that politician and I know that one doesn't work in us. Doesn't work. We all have seen this. When the real wrong bad time comes, everybody shuts their door. Yes. There is no politician, there is no big influential contact, there is no family member, no relative. Sorry. Nobody wants to be in your sorrow. But you are a high priest. You are a royal priesthood. Today I see a royal anointing come and sit on you. And Jesus is saying this to you, that you, my beloved, are going to glorify my name. When you walk out, people will know that you serve a king and not an ordinary God. When you walk out, the glory that you have, the way your life has changed, people will come to your God without you even preaching them the good news. You don't have to go and say, believe Jesus. No, they'll come and ask you, listen, can you please tell me who your God is? Are we ready for this? Yes. Amen. और 2021 आपके लिए ऐसा बनेगा कि आपको स्वार्थ का बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि लोग आकर आपसे कहेंगे कि आपका परमेश्वर कौन है, हम उसे जानना चाहते हैं। तो जब आप बाहर निकलोगे, तब वो महिमा, जो वो राजा की महिमा आपके ऊपर होगी, और परमेश्वर ही जानेंगे कि कोई साधारण मनुष्य के पीछे नहीं, आप उस परम पवित्र परमेश्वर के, उस महान परमेश्वर के नाम से कहलाए जाओगे। Luke 2:22, when Jesus was born, let's not go there, when Jesus was born, he was taken to Simeon to be prayed on. और जब और Luke 2:22 में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसे शिमोन के पास लेके गए थे उसके ऊपर प्रार्थना करवाने के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ज्यूइश ट्रेडिशन दैट व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, लाइक हाउ यू डेडिकेट द चाइल्ड, ओके? व्हाई? डेडिकेशन इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, अ रिलीजियस कल्चर ऑफ थिंग्स, नो, इट्स नॉट जस्ट अ रूटीन दैट यू हैव टू डू जस्ट टू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियन, नो, दैट इज when the child was born, Jesus was taken to this priest and he spoke words of blessing on Jesus, on baby Jesus.
और जब हम अर्पण करते हैं बच्चे को परमेश्वर के घर में, वो सिर्फ एक नियम नहीं है या तो फिर कोई ऐसे रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये बहुत महत्व का रिवाज है यहूदियों में कि वो लेवी के पास जाकर, उस याजक के पास जाकर उसके ऊपर आशीष बोलते हैं बच्चे के ऊपर जब एक कोई भी नया बच्चा जन्मता है। यू नो व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज़ वर्ड्स नेवर डाई, वर्ड्स नेवर डाई। द प्रीस्ट स्पोक दोस वर्ड्स ऑन जीसस सो दैट वर्ड व्हिच ही वाज स्पीकिंग, द ब्लेसिंग, द प्रॉमिसेस व्हिच ही वाज स्पीकिंग विल गो अहेड इन टाइम एंड वेट फॉर जीसस, वेट फॉर जीसस, सो दैट व्हेन इवन व्हेन जीसस कम्स टू एन एज 10, दैट वर्ड इज ऑलरेडी वेटिंग इन दैट एज टू कम एंड सिट ऑन जीसस। When Jesus becomes 25 years old, that word is waiting in, over there to come and sit on Jesus in the age of 25 years old. You know what they used to do? First come into the temple, we will speak the words of you, now you can go and play with the other kids. Because now anybody says anything, it's too late for it. Because we have already planned it for you now. Are you with me? We have already planned it for you. Anybody says anything, it's too late. A lockdown, I don't know what language it speaks with the people, but it's too late for a lockdown to even affect you. Why? Because much in advance you have taken your life and you've spoken the words and the promises and you have made your tomorrow. You have planned your tomorrow. You were there. You were participating. The problem is with those who don't participate. The problem is with those who don't find it important for me to prepare for my future. For me to prepare for tomorrow. Those who want to just sit and pray aimless prayers, no. When you start preparing for 2021, why am I stressing on 2021? Listen, I have no Christmas, or what do you say, sermons to speak. I don't know what to speak. But I know what is needed for the hour. Yes. I know what is needed for the hour. I know that right now you're going to engage yourself with the spiritual world and prepare your tomorrow. Give your tomorrow what you need. And I'm telling you, that's exactly how it's going to look like. That's exactly how it's going to look like. Beloved, it's not a joke. Let's not take things so lightly, because it's going to affect you. It's going to affect through you. All those who are attached to you, it's going to affect all of them. क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते। जब शमौन ने उस बालक यीशु मसीह पर प्रार्थना करी, तो उसने ऐसी प्रार्थना करी कि उसके भविष्य में उसने प्रार्थना करी ताकि वो जब यीशु मसीह 10 साल का हो रहेगा या 25 साल का रहेगा, वो शब्द उसके जीवन में कार्य करते रहेंगे। हम 2021 के बारे में इतना क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम कल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा कल दिखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन व्यर्थ की प्रार्थनाएं करते हैं। हमें वो बातें बोलनी है जैसा हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल या हमारा Give me 5 more minutes and I'm done. Just 5 more minutes. Okay. There is a threshold. There is a threshold above which man cannot rise by himself. He needs assistance of another spirit. He needs assistance of another spirit to pull him out of that threshold. There is a threshold above which a man cannot rise in this earthly realm. He needs a spirit to come and help him move high. और इस दुनिया में एक बड़ी सीमा है जिसके ऊपर मनुष्य ऊपर नहीं आ सकता। उसके लिए उसको एक आत्मा की जरूरत पड़ती है जिससे वो आत्मा उसको ऊपर, उस बड़ी सीमा के ऊपर खींच लेता है। If you see anyone having uncommon results in their life, it's a very proof that this man has had a discussion with the spirit, that this man has participated with the spirit. और अगर आप एक बहुत असामान्य नतीजे लोगों की जिंदगी में अगर देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान ने आत्मा के साथ बातचीत की है, उसके साथ समझौता किया। Do you know what happens when you participate with the spirit? When you're sitting in a meeting, which you want that it should turn towards my favor, when you want the minds, listen, what does God say? Come on, what does God say? I have turned the minds of the kings into your favor. In the heaven it's happened. Yes. In the heaven it's happened. All the kings that I need, all the influential contacts and whatever that I need, their mind has already been turned towards my favor. Then God, why those deeds don't turn towards me? Because when I'm sitting there, first of all, I'm not a spiritual being. But when I take help of that spirit, you know what's happening? I speak to that man's mind.
Before I go for that meeting, I speak to that man's mind. I say, in the name of Jesus, I declare and decree, as it is in heaven, your mind shall be turned towards my favor, that deed shall come to me. That deed shall come to me. Spirit world will say, where were you yesterday? Where were you day before? Today you need to go for a meeting. I'm sorry, we don't recognize you. We don't recognize you. Watch this. You better start from today. You better start. You become a member of that committee over there. That member of that, I don't know, whatever you want to call it. Become a member of that party over there. Do you know what happens? You start from today, throughout this year, you will see things turn towards your favor. Yes. Do you know what? Listen up, listen up, listen. That person will say, this one, Sheetal, if Sheetal comes, Sheetal, I'm never going to favor. Never. I'm never going to favor Sheetal. I can't do that. For whatever reasons, I'm never going to give that to Sheetal. But you know, when Sheetal comes, she comes with a spirit. She comes with a spirit. And what she is speaking inside, and the last whole month she has been with that spirit, and now it's the time that that spirit says, wait now, Sheetal, you stop. I go before you. And by the time Sheetal says, okay, bye, I'm leaving, that person is going to be like, shit, what did I do? I just said, I'm not going to give. I don't know what happened, and I just said a yes to her. That's not called hypnotizing. That's not, in the world they do that. Yes, yes, they do that. They take their power from the second dread. God says, when are you going to use my power that I have given my people? Will the people of darkness only use the power from the second dread and keep becoming richer and richer and my people go poorer and poorer? No. It's time, beloveds, come up to that level. Take help of that spirit and say, let me see uncommon results in 2021. Yes. Because I am with a spirit. I am with a spirit. People, those who hate me, I thank the Lord that before I reach their offices, their minds will be turned towards my favor. And they will not know why they gave me favor. But I know that I walk with the spirit. I walk with the spirit. Amen. I walk with the spirit. और लोग ये नहीं जानेंगे जब आप ऐसे आत्मिक रीति से वहां पर आप स्वर्ग की कमेटी में आपको सहभाग लेना है उस योजना में आपको सहभाग लेना है क्योंकि हम उसमें सहभाग नहीं लेते हमारी जिंदगी में नतीजे नहीं दिखते तो कब तक जो दुनिया के लोग हैं वो रूहानी शैतानी ताकतों का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर की जो ताकत है वो उसके लोग इस्तेमाल नहीं करते और पीछे ही रह जाते हैं तो जब परमेश्वर की इस आत्मा के साथ हम एक संग हो जाते हैं और उसे जाना देते हैं तो जो भी मीटिंग के लिए डेट के लिए हम जाते हैं हम उनके मन के साथ उनके मस्तिष्क के साथ अधिकार से बात कर सकते हैं कि तुझे मुझे कृपा देनी ही पड़ेगी और वो न चाहते हुए भी आपको कृपा प्रदान करेंगे उनको नहीं समझ में आएगा कि मैंने ये आशीष से क्यों दी मुझे नहीं देनी थी लेकिन फिर भी मैंने इसे आशीष दी डू यू नो व्हाई दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल लॉज आर सो इंपॉर्टेंट डू यू नो व्हाई टाइथिंग इज सो इंपॉर्टेंट दिस इज द रीजन इट्स सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ नो मैटर व्हाट Even right now, if you're not doing any strong assignment for the Lord, but do you know something? Your tithe is going into the kingdom of God. It's touching the ground of the anointing. So it becomes God's responsibility to prosper you. Yes. Why? Because even the money that you're earning, it's still used in the kingdom. Everything, listen, when we prayed in the beginning, we said everything that goes in God's hand will never return the same. Yes. It will never return the same. It will never return the same. Beloved, when your life is attached to the spiritual realm, it's never going to be the same. And I leave you with this word, 2021, you will see yourself doing things which you only could dream. और 2021 आप ऐसा जिंदगी जियोगे जो सिर्फ आपने सपने में देखी थी और इसलिए हम दशमांश इसलिए देते हैं ताकि हमने अभी प्रार्थना करी शुरुआत में कि जो भी परमेश्वर के हाथ में जाता है वो वैसे ही नहीं रहता तो जब आपका पैसा आपका दशमांश परमेश्वर के राज्य को छूता है तो आपका पैसा वैसे ही नहीं रहता Praise God. And beloveds, I want to thank each and every one of you all who are watching us on YouTube and Facebook. And I request everyone to like, share and subscribe and ring the bell. And do share this video with your family, members, your friends and everyone who want to be blessed. Stay blessed and enjoy the videos.